सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में शहर में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहर के सभी रैन बसेरों में ठहरे लोगों का सत्यापन किया गया। आपको बता दें कि ठंड के बढ़ते ही रैन बसेरों में जरूरतमंदों की भीड़ बढ़ जाती है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। जरूरतमंदों को पुलिस द्वारा कंबल भी वितरण किए जाएंगे, साथ ही रैन बसेरों को अपना अड्डा बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जनपद गोरखपुर के विभिन्न रैन बसेरे जिसमें काफी सर्दी बढ़ने के कारण उसमें ऐसे लोग ना रह रहे हों जो कि प्रोफेशनली जिन्होंने उसको वहां अपना अड्डा बना लिया हो, या फिर ऐसे लोग जिनको वास्तव में जरूरतमंदों किसी चीज की आवश्यकता है। इस चीज को ध्यान रखने के लिए जनपद के विभिन्न एसएचओ द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी रैन बसेरों का सत्यापन करवाया गया। वहाँ रहने वाले लोगों से उनकी कुशलक्षेम पूछी गई और उसी के बाद में अब जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा भी कंबल बंटवाने का और इस तरीके के तमाम कार्य हैं वो रैन बसेरों में करवाए जाएंगे। और यह भी एक हर्ष का विषय है कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है वो रैन बसेरों में नहीं रह रहा है। जो व्यक्ति प्रोफेशनली वहाँ पे रैन बसेरों को एक अड्डा बना के अपना रेगुलरली वहाँ रह रहा है।